For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. Bahut achhi, very good. Tiger is extraordinary. साढ़े चार तो दे ही दो यार, पांच दे नहीं सकते. Good, very good. बहुत बढ़िया थी सब. बहुत सही यार, मतलब सेकंड पार्ट तो उसमें अच्छे रहे. Superb. Yes, superb. Four. दे दिया. किस से भी गए? It's like okay, okay. He was sleeping in the movie. This is the review. No, this is okay. How many stars would you like to be out of? Like 2.5. बहुत अच्छी थी वो भी, बहुत अच्छी. 5. It was good, but not as per expectations. Out of 5, we will give 3. 3 was good. Action बहुत अच्छा था. Tiger का पूरा action बहुत अच्छा था. केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, पर ज़्यादा उन्होंने दिखाई नहीं. पूरे जो लव स्टोरी पूरी जो गाने में ही पूरा सेटअप कर दिया. बट इट वॉज ओवरऑल गुड. 3. सॉन्ग्स भी बहुत अच्छा था और केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी दोनों की. नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि इमोशनल सीन्स इतने खास नहीं थे टाइगर के, इसलिए मेरे को इतना खास नहीं लगा उसका. 3.5. बहुत अच्छी मूवी थी. वॉज अ ग्रेट मूवी, वर्थ वॉचिंग है. बहुत सारा एक्शन है, लास्ट तक एक सस्पेंस रहेगा, तो अच्छी मूवी है बहुत. हाँ, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी वैसे मूवी के लिए, बट अच्छी लगी मेरे को, सबको अच्छी लगी. दोनों वैसे तो एक्शन बहुत सारा है, तो कुछ केमिस्ट्री मतलब रोमांस वगैरह इतना नहीं है, बट केमिस्ट्री वॉज गुड, इतना ठीक ठाक. 3.5. मूवी अच्छी थी. क्या सर, उतनी अच्छी नहीं लगी. पूरी मूवी टाइगर साहब के सराउंडिंग घूमती थी. मुझे मोहिनी का आइटम सॉन्ग उतना अच्छा नहीं लगा. बाकी सॉन्ग अच्छे थे. अच्छी थी. आउट ऑफ 5, 3 स्टार. 1 टाइम मूवी. मूवी इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड. एक्शन बहुत अच्छा था, डायरेक्शन बहुत अच्छा था, और टाइगर श्रॉफ का लुक बहुत अच्छा था. रफ लुक बहुत ही अच्छा लगा. मुझे लगता है लगभग उतरना चाहिए, क्योंकि काफ़ी उम्मीद थी मुझे भी. मैं इसीलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आया, क्योंकि ट्रेलर बहुत अच्छा था और मूवी भी बहुत अच्छी है, सीन्स भी बहुत अच्छे हैं. बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री, दोनों बहुत स्वीट लग रहे थे. वो नहीं पसंद आया मुझे, क्योंकि उसको आई थिंक मुझे लगता है रीमेक नहीं करना चाहिए था, या करना था तो बहुत अच्छे से पिक्चराइजेशन करना था उसका. लेकिन 4. एक्सलेंट. इन दिस फिल्म आई रियलाइज दैट उसका बॉडी फ्रेमिंग जो है हीरो का, यस, दैट वाज अमेजिंग, विच आई नेवर सीन बिफोर दिस. डेफिनेटली वो एफर्ट्स दिख रहे हैं. सॉरी, सुपर्ब एज यूजुअल, हमेशा की तरह वो स्टार है, तो स्टार ही रहेंगे, देयर इज नो डाउट. आई विल गिव 4. श्योरली. बहुत शानदार मूवी थी. दोनों की एक्टिंग बहुत शानदार है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत सुपर्ब है. एक्टिंग की बात करें तो जितने भी रोल थे, जैसे प्रतीक बब्बर का रोल था, मनोज वाजपेयी का था, जैकलिन फर्नांडिस का डांस था, उसके बाद में दिशा पाटनी था, और जितने भी एक्टर्स थे सबकी एक्टिंग बहुत शानदार थी. मज़ा आया मूवी में, बहुत शानदार मूवी. उससे ज़्यादा खरी होती है. देखने के बाद में पता चलेगा मूवी सस्पेंस है पूरा, लास्ट तक सस्पेंस है मूवी में. जब भी आएंगे देखो, उसके बाद में मालूम पता चलेगा. बराबर उतर पाई सेम. आइटम दिया था उसने. आइटम नंबर सुपर लगा ना, बोला ना जैकलिन फर्नांडिस का स्पेशल थैंक्स जो दिया है उनने, वो सुपर था. उसमें गाने में जो जान डाल दी उस मूवी में. खास चीज़ यही थी कि एक जो बागी क्यों बनता है, एक बच्ची के लिए वो बागी बन गया, और लास्ट तक उसने सुपर किया. 5/5. मूवी काफ़ी अच्छा था. टाइगर का एक्टिंग पहले से काफ़ी अच्छा है इस बार,
और पिछली जो मूवी थी बागी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी जो बागी 2 आई है काफ़ी बेटर है उससे, और एक्टिंग भी काफ़ी अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं इसके, एक दो तीन वाला गाना अच्छा है, उसके बाद में मुझे अल्लाह वाला गाना अच्छा लगा, और इसमें जो फाइट सिक्वेंस था वो हॉलीवुड टेस्ट था, कुछ डिफरेंट था, और जो एंट्री हुई थी ना इसकी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी टाइगर की, लेकिन उसके बाद जब रणदीप हुड्डा का एंट्री हुआ एकदम भाई वाला, तो वो मुझे बहुत चार चांद लग गए उसके बाद मूवी में। मैंने जितना एक्चुअली मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी का नहीं पता है, जितना मैंने किया था सोचा था कि इतना अच्छा मूवी होगा, उतना काफ़ी अच्छा भी नहीं था बट बहुत अच्छा था। खास तो है डेफिनेटली यार, खास तो है। सबसे खास मुझे बच्ची का कैरेक्टर लगा यार, एक्चुअली अगर उसी के ऊपर सारी मूवी, अगर बच्ची ना होती तो शायद वो मूवी इतना अच्छा भी ना होता। 4 स्टार। थैंक यू सो मच। फिल्म वॉज नाइस, स्टोरी लाइन भी अच्छा है, डायरेक्शन ठीक है, एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, गोइंग टू एक्सपेक्टिंग अ फैमिली एंटरटेनमेंट, टाइगर हैज़ वर्क रियली हार्ड, एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी दिखाई दी है लेकिन मतलब नॉट अप टू द मार्क, 3 out of 5 सही है। मतलब अभी लाइक आई एम अ टाइगर फैन तो मेरे एक्सपेक्टेशंस कम है, लेकिन था आई वाज रियली हैप्पी। एक्शन इज़ अ प्लस पॉइंट, एक्शन मतलब मेरिट है फिल्म का, एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा दिया, क्लाइमैक्स सीक्वेंस पूरा जो शूट हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुली शूट हुआ है। मतलब जैकलीन आई लव जैकलीन, लेकिन अननेसेसरी लगा मुझे फिल्म में, क्यों उसे अननेसेसरी बीच में डाला गया उसको। माधुरी ऑल टाइम फेवरेट है, एवरग्रीन है माधुरी दीक्षित, उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। या डेफिनेटली गो इन फॉर वॉचिंग, एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, डांस बहुत ज़्यादा अच्छा है, म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्टोरी लाइन और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन जस्ट गो इट वन टाइम वॉच इट, डेफिनेटली 3 out of 5। बहुत अच्छी मूवी, एक्शन अच्छा है, एक्टिंग भी अच्छा है, एक्शन ज़्यादा है, अच्छी है केमिस्ट्री। स्टार 4 स्टार।